अनुभव मर जाएगा यार, क्या कर रहे। अरे अरे यार भैया आप ही कर दो यार, पिछली बार भी उसने प्रेम भैया का कंधा तोड़ दिया था। भैया कज़ब में दिखाई अनुभव, डर नहीं लगा? नहीं दीदी, सावधानी तो रखना ही है, पर अगर डरते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे। अच्छा ऐसा, शिखर भैया बोलते हैं। वैसे एक बात है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना एक स्किल है। सही है ना भैया, मैं तो अपने डिसीजन आपको देख के ले लेता हूँ, पर आप अपने डिसीजन कैसे लेते हो? ये सेम दिक्कतें मुझको भी पहले आती थी, बट जब से मैंने अपनी जिंदगी का डायरेक्शन सेट करा है तब से सारे डिसीजन लेना सिंपल हो गए मेरे। लाइफ का डायरेक्शन वो आपने कैसे सेट किया? हुआ ये, एक बार पापा का ट्रांसफर हुआ और मैं उनके साथ गया उनके ऑफिस पैकिंग में हेल्प करवाने के लिए। तुम्हें मालूम है ये काम मैं हरगिज नहीं कर सकता। जी सर। अरे सर, थोड़ा सा तो रिस्क है लेकिन फायदा बहुत है। साफ नजर आ रहा है इस पेपर पे साइन करना मतलब कई लोगों की जान रिस्क में डालना। वो तो है सर, ऊपर से दबाव है, और वैसे भी आपका ट्रांसपोर्टर निकल ही चुका है। अभी भी मौका है, थोड़ा और सोच लीजिए। मैंने सोच लिया, सामान पैक करने ही आया हूँ। वो ये काम चाहे किसी से भी करा ले, लेकिन मेरा जमीर अभी मरा नहीं है। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। पापा, जब ये काम गलत है इससे किसी की जान भी जा सकती है, तो ऐसा काम लोग करते क्यों हैं? बेटा ये व्यापारी हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था, ना मैं व्यापारी बनूंगा ना कभी पैसों के लिए काम करूंगा। तो भैया पर आपने कोई नौकरी क्यों नहीं कर ली? अरे कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं थी उनकी, उसके बावजूद बहुत परेशान देखा मैंने उनको, और ट्रांसफर तो इतने की पूछो मत, और वो आखिर तो खुद ही होने लगे थे कि नौकरी तो करने लायक चीज ही नहीं है। भैया ऐसा क्या हुआ फिर जो आप यहाँ पे आ गए? एक्चुअली 2012 में हम सारे भाई बहन मसूरी गए थे शिविर में। थोड़ा लंबा प्रश्न है, लंबा उत्तर है। ठीक बात है, ट्रेन तो चल नहीं रहा है। समझदारी, समझदारी से ईमानदारी, और ईमानदारी से जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी से भागीदारी। ठीक है, तो ये मूल नियम है, अपने को समझ आना चाहिए। समझने से ईमानदार, ईमानदार होकर जिम्मेदार, और जिम्मेदार होकर भागीदार। तो हम सभी देखेंगे तो चूँकि अस्तित्व सास्तित्व है ही, तो हम सब भागीदार तो हैं ही, मतलब भागीदारी भागीदार हैं, लेकिन भागीदारी निभाना नहीं आता है। जैसे अभी ये बच्चे लोग बैठे हैं, तो ये दोनों देखो साथ में ही हैं, तो भागीदार तो हैं, लेकिन भागीदारी क्यों नहीं निभ पा रही है? क्योंकि जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी क्यों नहीं है? क्योंकि ईमानदारी नहीं है, समझदारी नहीं। अब इसमें समझदार कैसे हो जाएंगे? तो समझदार होने की क्या विधि है? पहले समझदार होंगे, पहले ईमानदार होंगे कि जिम्मेदार होंगे कि भागीदार होंगे? तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है जिम्मेदारी का, यहाँ से हम शुरू करेंगे। जिम्मेदारी किस बात की? कि जैसा मैं अभी हूँ, जैसा मैं समझा हूँ वैसा मैं जीता हूँ, तो अपने सारे सुखी दुखी होने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ ना। तो जैसा मैं अभी हूँ, जैसा मैं जीता हूँ वैसे ही समझा हूँ, और जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ उसके लिए। और जिम्मेदारी जब निभने जाओगे तो फिर समझदारी की आवश्यकता पड़ेगी। हमको जिम्मेदारी से निभना ही नहीं है, टालम टोली करना इधर उधर इधर उधर सबको, इस कारण से हो गया ना, उस कारण से हो गया ना, इसके कारण है इसके कारण, तो हम कभी समझदार हो ही नहीं सकते, होंगे ही नहीं कभी। इफ़ यू वॉन्ट टू लीव अ रिस्पॉन्सिबल लाइफ देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड इट। Got it? ये बात ठीक समझ में आ गया? अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी तो लेना चाहती हूँ, पर उसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा?
तो ये दो बिंदु से स्नेहा समझ में आ सकता है, कभी भी समझना हो, आज समझना हो, कल समझना हो, बुढ़ापे में समझना हो, समझना इतने पड़ेगा आदमी को कि भैया गिवन ए चॉइस, हम क्या चाहते हैं और एग्जिस्टेंस में मनुष्य का रोल क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ इन द एग्जिस्टेंस। लेकिन अगर हम अपना हम क्या चाहते हैं अगर ये बात हम नहीं जोड़ेंगे तो वो फिर वो हमारे पर बोझा हो गया हो, तो फिर हम थकेंगे हर काम करके, चिड़ेंगे, बोर हो जाएंगे। तो डायरेक्शन कहाँ से बनती है कि हम क्या चाहते हैं, और दूसरा दूसरा व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द नेचर। अगर ये दोनों बात समझ में आ जाए तो बात अच्छी हो सकती है। तो कितने लोग अपनी जिंदगी को अपने नियंत्रण से जीना चाहते हैं, हाथ ऊंचा करें। कितने लोग अपनी लाइफ खुद अपने नियंत्रण जीना चाहते हैं, वेरी गुड, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या चाहते हैं और मनुष्य का रोल क्या है उसका अध्ययन करेंगे। सो दैट क्या होगा, आप अपनी जिंदगी खुद अपने हाथ से जिएंगे, अपने तरीके से जिएंगे, ठीक। और सही में हम सब एक होते हैं तो मिल जाएंगे। मिलना कोई लक्ष्य नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना। जब कभी भी सही होते तो मिल जाएंगे, वो उसका प्रमाण है केवल। सही होना लक्ष्य, समाधान संपन्न होना लक्ष्य। बढ़िया है, तो इस बात को आगे ध्यान रखेंगे, फिर दोबारा मिलते हैं, आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बढ़िया। तो कोई शेयरिंग में कुछ कहना चाहता हो तो कह सकता है, ठीक है। नमस्ते सभी को। नमस्ते। हमारे परिवार में भी जीवन विद्या से काफ़ी प्रेरणा रही से, और उससे ये समझ में आया है कि जो अब करना है मुझको, ऐसा मेरे एज है जो मैं अब करूँगा मुझको जिंदगी भर करना है, सही है, और वैसा करना मुझको स्वीकार होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये भी समझ में आया परिवार में रहते हुए मम्मी पापा से बात करते हुए कि जो भी कार्यक्रम वो कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें या तो शोषण करना पड़ रहा है या शोषित होना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे सिस्टम जो उसको एक्सेप्ट हो जाए उसके लिए एक मैं खेती और गौशाला ही पहचान पाता हूँ, इसके अंदर मैं ये सिस्टम से बच सकता हूँ, और ये शिविर करके मुझको ये समझ में आया कि ऐसा रहना पॉसिबल है। तो यहाँ से जाने के बाद मैं अपना काम जो है वो खेती में और गौशाला में ट्रेनिंग लेना चालू करूँगा, और मुझे अब ये समझ में आ गया कि इससे कम में तो नहीं चलेगा। तो आपको क्या लगता है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब इसके आगे की कहानी तो हम आपको अगले हफ्ते ही सुनाएंगे, लेकिन ये जो कहानी थी जिम्मेदारी लेने पर, इसके बारे में करेंगे पूरी बात आज रात 7 बजे जूम पर। फाइंड मीटिंग लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन।